क्या है Oppo A7 करेंगे अनबॉक्सिंग, जानेंगे इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में। मैं हूं राज जाटव। चलिए, बॉक्स हमारे सामने, बॉक्स पर A7 मेंशन किया हुआ है, वाटर ड्रॉप स्क्रीन दी हुई है, ऊपर साइड कुछ नहीं है, नीचे देखे तो नीचे कुछ दिया हुआ है, कैमरा दिया हुआ है 13+2, जो बैक कैमरा है 13+2 का दिया हुआ है, और फ्रंट कैमरा 16 मेगापिक्सल दिया हुआ है, स्क्रीन साइज 6.2 इंच दिया हुआ है कंपनी ने इसमें, और जो 158 ग्राम वेट दिया हुआ है मोबाइल का, बैटरी मेंशन की हुई है 4230 mAh है, बस इसके अलावा कुछ ज़्यादा मेंशन नहीं हुई है। MRP मेंशन है इसमें, MRP जो है 18990 MRP दी हुई है कंपनी ने इसमें। अब कर लेते बॉक्स ओपन, देखते हैं इसके अंदर क्या है। बॉक्स ओपन करता हूँ मैं, सबसे पहले फ्लिप में देख लेते हैं, कुछ यूज़र मेनू गाइड वगैरह दी हुई है और एक ट्रांसपेरेंट कवर दिया हुआ है। फ़ोन बाहर निकाल लेते हैं, फ़ोन गोल्डन कलर का है जो कुछ 3D डिज़ाइन टाइप का है। फ़ोन के बारे में अभी देखेंगे, पहले कंटेंट देख लेते हैं क्या क्या है। हेडफोन नहीं दिया हुआ है कंपनी ने, चार्जर है जो हमारे पास, और एक माइक्रो USB डाटा केबल है। चार्जर जो है 5 वोल्ट और 2 एम्पेयर आउटपुट दिया हुआ है जो काफ़ी बढ़िया है। अब फ़ोन ऑन कर लेते हैं, जानते हैं इसके बारे में। फ़ोन जो है कंप्लीट कर लिया है मैंने, जो डिस्प्ले बताई है कंपनी ने वो जो बताई है 6.2 इंच की फ्रंट डिस्प्ले है जिसमें वाटर ड्रॉप स्क्रीन दी हुई है, एक बीच में कैमरा दिया हुआ है, ऊपर स्पीकर है, तो डिस्प्ले जो है वो फुल व्यू डिस्प्ले है। बैक साइड देखें तो 13+2 का कैमरा दिया हुआ है, डबल कैमरा फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ, और पीछे जो डिज़ाइन है वो 3D गोल्डन डिज़ाइन है जो जिस पर थोड़ी लाइन है जो बहुत ही ज़्यादा एट्रैक्टिव है। राइट हैंड साइड देखें तो लॉक की दी हुई है, और लेफ्ट हैंड साइड देखें तो वॉल्यूम की और सिम ट्रे दी हुई है। सिम ट्रे जो है वो हाइब्रिड ही है, इसमें 2 सिम और मेमोरी कार्ड हम लगा सकते हैं। ऊपर साइड कुछ भी नहीं है, नीचे जो है माइक 3.5 mm जैक और माइक्रो USB पोर्ट चार्जिंग के लिए और स्पीकर दिया हुआ है। तो ये तो गई फ़ोन की फिजिकल बात, अब अंदर की बात कर लेते हैं। 8.0 का एंड्रॉयड वर्जन है इसमें, और 4GB 64GB है। प्रोसेसर की बात करें तो प्रोसेसर जो है 450 का ऑक्टाकोर प्रोसेसर है सॉरी। और इस रेट की बात करते हैं तो 16990 रुपये कंपनी ने इसका रेट रखा हुआ है। मैंने फिंगरप्रिंट लॉक और फेस अनलॉक दोनों सेट कर दिए हैं, चेक करते हैं फिंगरप्रिंट लॉक कितना काम करता है। ये अनलॉक हो गया है, 1 सेकेंड से भी कम टाइम में अनलॉक हो जाता है। ये फिंगरप्रिंट सेंसर जो वो बहुत ही बढ़िया है, ये अब इधर टच करेंगे और इतने ही देर में इधर अनलॉक हो जाता है, और फेस अनलॉक वगैरह सेट कर दिया मैंने, देखता हूँ मैं। ये डायरेक्ट लाइट खुलते से ही डायरेक्ट ऑन हो जाता है, मतलब 1 सेकंड से भी कम टाइम लगेगा आपको फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक यूज़ करने में। बात करते हैं कैमरे की, जो कैमरा जो है ओप्पो का बेहतरीन रहता ही है, बाकी हम और भी देख लेते हैं। कैमरे की जो है बहुत ही शानदार क्वालिटी है, कुछ फ़ोटो भी हैं इसमें, ये देख सकते हैं आप, काफ़ी बेहतरीन फ़ोटो आते हैं इसके। ये फ्रंट कैमरा भी शानदार दिया हुआ है, कैमरे में तो ओप्पो होता ही है। फ़ोन यूज़ करें ओप्पो A7 बताइए हमें, कमेंट्स करिए आपको फ़ोन कैसा लगता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय भीम, जय भारत।